A very good morning, kids. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. So, children, as you know, today we are also going to learn addition. आज हम फिर से addition की ही कुछ sums practice करेंगे, okay? So, are you excited? Because I am loving this addition, right? So, हमने बहुत सारे addition के तरीके देखे हैं, like I have told you how to count through your fingers. Through objects, right? So now, अब मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ कि एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो sometimes क्या होता है, एडिशन हमें इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3, इसको क्या कहते हैं सिंबल को हम प्लस, तो this means 3 + 2, कितना होगा आंसर? तो आप क्या कर सकते हो? अगर यहाँ पे आपका 3 लिखा है, तो first यहाँ पे कितने क्लास हैं? 3 क्लास है, फर्स्ट हम उनको काउंट करेंगे लाइक 1, 2, 3 एंड देन प्लस 2 मींस इन 3 क्लास में अब हमें 2 क्लास को और प्लस कर देना है, मींस ऐड कर देना है. तो अब यहाँ पे कितने क्लास हो जाएंगे, काउंट करके बताइए. ये पूरे क्लास को काउंट करिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट? तो अब यहाँ पर हो जाएंगे 5 क्लास. प्लस का मीन्स होता है चीजों को एक साथ रखना. अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे कितना नंबर लिखा है, 4 4 + 3 मीन्स पहले हमारे पास कोई 4 चीजें थी, उसमें हमने 3 चीजें और ऐड कर दी. मीन्स पहले 4 चीजें थी, अब हमने 3 चीजें उसमें और ऐड कर दी. तो बताइए कितनी चीजें हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 थिंग्स हो गई हमारे पास. अब स्टार्स की तो काउंट करिए, फर्स्ट और स्टार्स के हमारे पास 1, 2, 3, 4 उसमें हमने प्लस कर दिए 3 मोर स्टार्स. तो यहाँ पे कितने स्टार्स हो गए ओवरऑल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब यहाँ पर हो गए हैं 7 स्टार्स. वेरी गुड. तो चिल्ड्रन, अब हम ये एडिशन आपकी बुक के थ्रू पढ़ेंगे एंड यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ. ये आपको अब खुद से करना है. जल्दी से हम लोग अपनी मैथ्स की बुक ओपन करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, ओके? नाउ चिल्ड्रन, वी विल डू एडिशन एक्सरसाइज थ्रू अवर बुक. सो ओपन द पेज नंबर 103 इन योर बुक, 103. सो नाउ योर क्वेश्चन इज काउंट एंड ऐड. मीन्स यू हैव टू काउंट दीज थिंग्स एंड देन यू हैव टू ऐड देम एंड राइट द नंबर हियर, ओके? For example, this is 1 + 2 means आपको वन थिंग में टू थिंग्स को और ऐड करना है. सो 1 + 2 = 3 काउंट करिए, 1, 2, 3 इसलिए कह रहे हैं कि 1 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3, ओके? फिर से लुक एट दीज हेड्स. आप ये हेड्स देख रहे हैं, फर्स्ट वी हैव 4 हेड्स लाइक 1, 2, 3, 4 तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया है. देन हमने उन 4 हेड्स में 2 हेड्स को और ऐड कर दिया है, 1, 2 तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है. सो दिस मीन्स 4 + 2 = 2 कितना होगा, काउंट करिए कितनी हेड्स हो गई हैं अब हमारे पास, काउंट करके बताइए मुझे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेरी गुड. तो अभी हमारे पास हो गई हैं 6 हेड्स, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे. एक बार फिर से लुक एट दीज काइट्स. आप ये काइट्स देख रहे हैं, फर्स्ट वी हैव 6 काइट्स. पहले हमारे पास 6 काइट्स थी, फिर हमने उसमें 2 काइट्स को और ऐड कर दिया. तो अब बताइए अब हमारे पास कितनी काइट्स हो गई हैं, पूरी काउंट करके बताइए मेरे को. वेरी गुड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वेरी गुड. तो अब हमारे पास हो गई हैं 8 काइट्स, ओके? नाउ सी, लुक एट दीज पियर्स. फर्स्ट वी हैड 3 पियर्स, राइट? 1, 2, 3 और फिर 3 पियर्स में हमने 3 मोर पियर्स को ऐड कर दिया है, 4, 5, 6 तो 3 + 3 = 6 आ रहा है समझ में आप लोगों को? इस तरह से आपको एडिशन की एक्सरसाइज खुद से करनी है, ओके? नाउ नेक्स्ट इज एडिशन विद 0. आपको पता है 0 0 मीन्स गोला, ऐसे होता है ना 0. दिस इज 0,
जीरो मीन्स होता है कुछ नहीं, जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। मीन्स अगर हमारे पास टू कैट्स थी और उसमें हमने कितनी कैट्स और ऐड कर दी, मीन्स कोई भी कैट ऐड नहीं किया है, तो हमारे पास कितनी कैट्स बची हैं, दो ही तो कैट बची हैं। मीन्स अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास टू पेन्स हैं, अब इसमें मैंने ज़ीरो पेन ऐड कर दिया है, ज़ीरो पेन ऐड कर दिया है, तो कितने पेन हुए, तो ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं ऐड किया है। जब हमने टू पेन्स में कुछ भी ऐड नहीं किया है तो हमारे पास टू ही पेन तो बचे है ना। तो किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर हमें मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी, हाउ मैनी बॉल्स आर देयर, कैन यू काउंट देम, हाउ मैनी बॉल्स आर देयर, 1 2 3 4, फोर बॉल्स आर देयर, राइट। अब फोर बॉल्स में हमने ज़ीरो बॉल्स ऐड की, मतलब कोई भी बॉल ऐड नहीं की, तो देखा आपने हमें कितनी बॉल्स फिर से मिल गई, फोर ही बॉल तो रही हमारे पास। जब हमारे पास कोई चीज़ है उसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया तो हमारे पास वो चीज़ उतनी नंबर में रहेगी, है ना। देखो आपने फोर ही बॉल्स नहीं, पहले भी फोर बॉल्स थी और अब भी फोर बॉल्स हैं, क्योंकि उसमें हमने ज़ीरो ऐड किया है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, फोर बॉल्स। आया समझ में आपको, वेरी गुड। अब ये आप अपने आप से एक्सरसाइज खुद से करेंगे। एंड चिल्ड्रेन, दिस इज फॉर योर एनरिचमेंट एक्टिविटीज, एड एंड राइट द आंसर इन ईच बॉक्स। वी विल डू दिस एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके। तो थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे।